मेरी क्रिसमस टू ऑल माय व्यूअर्स, मैं दिल से चाहूंगी कि आपकी क्रिसमस बहुत अच्छी जाए। As for my promise, I'm going to bake this cake today and show you how to make a lovely, delicious Christmas cake with ease for your family. So don't buy the Christmas cake from a store because they're expensive and you always don't get that good quality. मेरे चैनल को झटपट सब्सक्राइब कर लीजिए और रेसिपी पसंद आई तो जरूर इस वीडियो को थम्स अप और कमेंट लिखना न भूलिए। तो चलते हैं और जल्दी से बनाते हैं क्रिसमस केक। सो लेट स्टार्ट बेकिंग। विल स्टार्ट विथ मैदा। 225 ग्राम्स ऑफ मैदा। अब मैदा को छन्नी में डाल लीजिए। हमें इसे दो से तीन बार छानना है। टू दिस फ्लावर आई एम गोइंग टू एड 1 teaspoon ऑफ केक स्पाइस। दिस विल गिव दैट अरोमा टू आवर केक। हाफ टी स्पून ऑफ फ्रेशली पाउडर्ड नटमेग, हाफ टी स्पून ऑफ सॉल्ट एंड 1 teaspoon ऑफ बेकिंग पाउडर। नाउ प्लीज टेल मी फ्रॉम विच सिटी विच कंट्री यू आर वॉचिंग माई वीडियो सो दैट आई कैन से थैंक यू। सो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए कि आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं ताकि हम आपको थैंक यू बोल सके। सो वी नीड टू सीव इट नाउ। मैंने सारे ड्राई मिक्सचर्स को मिक्स कर लिया है और उन्हें छाननी से मैंने छान लिया है। अब हम ऐड कर रहे हैं 225 ग्राम्स ऑफ अनसॉल्टेड रूम टेम्परेचर बटर। नाउ इस बटर को हम ब्लेंड कर लेंगे ताकि इसमें हवा जाए। वंस द एयर इज इनकॉर्पोरेटेड यू विल गेट अ सॉफ्ट केक। सो लेट्स स्टार्ट द मिक्सर। हमने बटर को अच्छे से फेंट लिया है। अब इसमें हम डालेंगे डार्क ब्राउन शुगर। डार्क ब्राउन शुगर से हमें केक में वो डार्क कलर आएगा। हमने ब्राउन शुगर ऐड कर लिया और इसे फिर से हम ब्लेंडर में मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 बड़े अंडे। इन अंडों को मैंने फ्रिज से 1 घंटे पहले ही निकाल लिया था बिकॉज बेकिंग में हमें फ्रिज से कोई भी चीज़ डायरेक्टली यूज़ नहीं करना है। केक राइज नहीं होता है सही तरीके से। अंडा डाल के फेंटने के बाद आप देखोगे कि मिक्सचर थोड़ा सा कर्डल हो गया है। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इससे उल्टा केक और भी सॉफ्ट और अच्छे बनेंगे। इसके बाद हम इसमें हमारे ड्राई मिक्सचर ऐड करने वाले हैं। एक बात बेकिंग में हमेशा याद रखिए कि जो क्वांटिटीज हैं वो एग्जैक्टली आपको फॉलो करने हैं ताकि आपका केक परफेक्ट आए। प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर एग्जैक्ट क्वांटिटीज। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वांटिटीज के सारे डिटेल्स डाल दूंगी, आप प्लीज चेक कर लीजिए। ऐड करेंगे कैरेमल सॉस। ये 130 ml कैरेमल सॉस है। अब मैं ऐड करूंगी 1 लेमन का जेस्ट। मैंने लेमन के छिलके को अच्छे से घिस लिया है और अब मैं इसे बैटर में ऐड कर दूंगी। और यह है 1 ऑरेंज का जेस्ट। मैंने एक फुल ऑरेंज का छिलका निकाल लिया है। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी हमारे केक में। डालेंगे हम 1 टेबलस्पून वनीला एसेंस। अभी इसे हम मिक्स कर लेंगे।
ये है सोक फ्रूट जिसे मैंने रम में सोक करके रखा है 1 मंथ। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं एंड में आपको वीडियो का लिंक डाल दूंगी, आप प्लीज वो चेक कर लीजिए। ये है 900 ग्राम और इसमें मैंने 100 ग्राम मिक्स नट्स लिए है। नट्स आप किसी कोई भी नट जो आपको पसंद है आप ऐड कर सकते हो। 900 ग्राम फ्रूट और 100 ग्राम नट्स ऑफ योर चॉइस। इसे हम अभी बैटर में मिक्स कर लेंगे। इसे हम स्पैचुला से मिक्स कर लेंगे। अभी हमारा बैटर पूरी तरह से तैयार हो चुका है, इसे मैं अभी बेकिंग टिन में ट्रांसफर कर दूंगी। ये हमारा बेकिंग टिन है तो मैंने अंदर से और बाहर से पार्चमेंट पेपर लगा दिया है। इस केक को हम 140 डिग्री सेंटीग्रेड में 3 से 3.5 घंटा हम बेक करेंगे। इसका बेकिंग टाइम ज़्यादा होने की वजह से मैंने इसे अंदर से और बाहर से रैप कर लिया है ताकि वो केक ज़्यादा ड्राई ना हो जाए और ऊपर से ब्राउनिंग ज़्यादा ना हो। अब हम बैटर को टिन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। मैंने इसे ट्रांसफ़र कर लिया है केक टिन में और एक स्पैचुला के हेल्प से मैं इसे लेवलिंग कर रही हूँ। मैं टॉप को एक दूसरे पार्चमेंट पेपर से कवर कर लूँगी जिसमें मैंने थोड़ा सा होल रखा है ताकि वो स्टीम बाहर आए। इसे मैं 180 डिग्री टेम्परेचर पे 10 मिनट्स मैंने प्री हीट किया है। अब मैं अपने ओवन को 140 डिग्री सेल्सियस पे 3 आवर्स के लिए छोड़ दूँगी। आउट ऑफ ओवन, लेट मी जस्ट चेक इफ इट इज डन प्रॉपरली। एज यू कैन सी इट हैज कम आउट क्लीन, सो केक हैज बीन बेक्ड प्रॉपरली। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू ऐड सम ऑरेंज जूस फॉर दैट एक्स्ट्रा सॉफ्टनेस ऑफ द केक। यू कैन इफ यू डोंट वॉन्ट टू ऐड ऑरेंज जूस यू कैन ऐड वाइन और रम, यू कैन ऐड एल्कोहल ऑफ योर चॉइस। वी लीव दिस केक टू कूल डाउन फॉर अनदर 15 to 20 minutes एंड देन वी विल कट द केक। आई एम स्प्रिंकलिंग शुगर एंड देन वी कैन डेकोरेट आवर केक एंड इट्स रेडी टू सर्व। Our cake is ready now, so please bake this cake for this Christmas and have a lovely time. See you soon with another interesting recipe. Bye bye, take care.